સૌને મારા નમસ્કાર સદ કેવલ સાહેબ હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું દ્વિતીય સત્રમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું મેં કાજલ હિંગુ કક્ષા છ વિષય હિન્દી યુનિટ તીન જરા મસ્કુરાઈ જે હે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂટકુલે ઓકે તો હમ ઇકાઈ તીન जरा मुस्कुराइए यानी जरा हसो तो आज हम ऐसे तीन चुटकुले हम पढ़ने वाले हैं ओके तो आपको हंसी भी आएगी हंसी मजाक को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हंसी मजाक को हम ज्यादा महत्व नहीं देते लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है चिंता तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है और हमें स्वस्थ रहना हो तो हास्य हमारे जीवन में जरूरी है जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं पहले आपको शब्दार्थ लिखवाती हूं किरे किराएदार यानी जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह खोपड़ी यानी मस्तक सिर इस्तेमाल यानी उपयोग मगन यानी मग्न या तल्लीन ओके तो आपको ये शब्दार्थ लिखना है पहले चुटकुला है सॉरी पहले चुटकुले है मालिक किराएदार से कहता है मालिक किराएदार से क्या कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते तो तो बोलता है आपने ही ही तो कहा था कि इसे अपना घर समझना देखो मैं आपको ए, गुजराती में अनुवाद करके मैं आपको ये चुटकुले सुनाती हूँ जरा मुस्कुराई यानी जरा हसो मालिक मालिक भारूत ने कहे तमे मने भाड़ू केम आपता नथी तो भाड़ूत कहे मालिक ने तमे तो कयुं हतुं की आने तमारुं ज घर समझो ओके आपको हसी आई ना ओके दूसरा चुटकुले है सोनू का सिर फट गया डॉक्टर सोनू से यह कैसे हुआ किसे पूछता है डॉक्टर सोनू से सोनू डॉक्टर से कहता है મે પથ્થર સે કિલ્લ ઠોક રહા થા તબ એક આદમીને મુજે કહા ગધે કભી ખોપડી કા ભી ઇસ્તેમાલ કર લિયા કર તો મે આપકો ઇસકા ગુજરાતી મે અનુવાદ કરકે બતાતી હું સોનો ને માથા માં ઈજા થઈ ડોક્ટર સોનો ને પૂછે છે આ કેવી રીતે થયું તો સોનો ડોક્ટર ને કહે છે હું પથ્થર વડે ખેલી ઠોકી રહ્યો હતો तो एक मनसे मने कहू अरे गधेड़ा क्या तो खोपड़ी नो उपयोग करते रहे त्रीज चुटकुले तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये दो चुटकुले मैंने आपको सुनाई और आपको हंसी भी आई होगी है ना तो ये चित्र में भी दो चुटकुले हैं ये आपको अपने आप पढ़ना है और दूसरों को भी सुनाना है ओके तो हम आगे चलते हैं हमारा ये है दूसरा चित्र ओके? ये भी आपको पढ़ना है और दूसरों को भी सुनाना है तीसरा चुटकुले मुन्ना पापा मुन्ना पापा से कहता है पापा कल मैंने रात के डेढ़ बजे तक पढ़ाई की पिता सब बस बैठे लेकिन रात को ग्यारह बजे तक ग्यारह बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी मुन्ना सच में मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला मुन्नो पप्पा ने कहे काले मैं रात्र दौड़ा सुधी अभ्यास करो मुन्नो पप्पा ने कहे गई काले मैं रात्र दौड़ा सुधी अभ्यास करो पिता कहे शाबाश दीकरा परंतु रात न 11:00 पची तो आखा मोहल्ला ने लाइट जती रही हती तो ते केव रीते 2:00 बजे लोगिन वाच्यू मुन्नो साचू हूं तो भणवा में इतलो मस्कुल हतो के मने खबरज ना पड़ी के लाइटो तो जती रही ओके तो मैंने आपको तीन चुटकुले आपको मैंने हिंदी में और गुजराती में समझाए ओके आपको समझ में आया होगा है ना और आपको हंसी भी आई होगी तो विद्यार्थी मित्रों इस पाठ में तीन चित्र है उसमें भी चुटकुले ये आपको अपने दोस्तों को सुनाना है और आपको दोस्तों को हंसाना है ओके तो हम आगे चलते हैं तो विद्यार्थी मित्रों ये चुटकुले आपको नोटबुक में लिखना है और सामायिक अखबारों में से चुटकुले पढ़ना है और आपको दोस्तों को सुनाना है और दूसरे चुटकुले आपको नोटबुक में भी लिखना है आपको जो पसंद है वो आपको नोट डाउन करना है ओके तब तक अस्तु सत केवल साहेब